आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अतीक फैमिली की वांटेड महिलाओं की तलाश तेज हो गई है। जैनब और आयशा की तलाश अब लगातार की जा रही है, जहां पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की टीमों ने हटवा, असरौली और मारीडीह गांव में लोगों से पूछताछ की है। अतीक अहमद के बालगृह से छूटे दो बेटे भी हटवा में रिश्तेदार के घर पर रह चुके हैं। पुलिस ने यहां पर भी अशरफ के साले जैद और सद्दाम के कुछ करीबियों से पूछताछ की है। अतीक फैमिली की फरार तीनों महिलाओं के बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस महिलाओं को पकड़ने के लिए अब अपनी रणनीति में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सर्वेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, आयशा नूरी, जैनब फातिमा, इन पर 25,000 का इनाम है, लेकिन अब तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है क्योंकि अभी तक पकड़ में नहीं आ पाई है। देखिए, निश्चित तौर पर 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूट आउट केस हुआ था, और इस मामले में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ ही साथ अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया। लेकिन अब तक माफिया फैमिली की तीनों महिलाएं पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है, बड़ी चुनौती है। अब तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई है। अब चूंकि दो दिन पहले ही जैनब फातिमा और आयशा नूरी के खिलाफ भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है पुलिस ने, तो इनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमों ने हटवा, असरौली और मरियाडी गांव में छापेमारी की है, लोगों से पूछताछ की है। इसके अलावा अशरफ की ससुराल भी हटवा में है, तो वहां पर भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। लेकिन फिलहाल अभी इन दोनों फरार महिलाओं आयशा नूरी और इसके साथ साथ जैनब फातिमा का पता नहीं चला है। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उस पर भी 50,000 का इनाम घोषित है, उसका भी अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। लेकिन हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि अब एक बार फिर से शाइस्ता परवीन पर जो 50,000 का इनाम है उसको बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।